जय गुरु जी। मॉम डैड एनिवर्सरी व्लॉग 5 4 3 2 1। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। अभी मजा आएगा ना। और फिर आज के दिन तो पार्टी चाहिए भाई। क्यों, आपकी भी तो एनिवर्सरी। पापा तो आप ना चले गए गाइस टूर पे। मैं कहा पापा आज के दिन मतलब रहने दे, छुट्टी कर लेते। पापा कहते नहीं, मैं शाम तक आ जाऊंगा। और सुबह सुबह मैंने उनको भी विश कर दिया। बाकी आपके साथ तो गाइस शाम को ही विश कर पाएंगे, बट कोई नहीं, कर देंगे। इधर अर्पिता भी अपना फुल तैयार हो चुकी है भाई साहब, कहाँ जाने के लिए? मेरे साथ गाइस। मैंने अभी ना एक काम जाना है, मैंने वैसे ही कह दिया इसको कि तू भी चलेगी। ये तो भाई जबरदस्ती गले पड़गी, कहती चलूंगी चलूंगी चलूंगी। अब भाई ले जाना पड़ेगा, तो चलो इसको भी घुमा लाते हैं। एक गई ऐसी फ्रेंड के पास जाना था गाइस, तो उससे एक नोटबुक वगैरह लेके आनी है। अभी चलते हैं, जाके ले आते हैं। आ जाओ। तो अभी भाई मैं अपना बाहर आ चुका हूँ अर्पिता के साथ, और ये पीछे अर्पिता। और अभी ना गाइस हम जा रहे हैं, मैं अपने ना किसी दोस्त के घर नहीं जा रहा। वो तो मम्मा के आगे जान के झूठ बोल रहा था, अगर उन्हें बता देता ना गाइस। एक्चुअली बात क्या कि मैं जा रहा हूँ पापा और के लिए अपनी सरप्राइज पार्टी प्लान करने, जिसके लिए हमने पहले जाना केक का ऑर्डर देने, और उसके बाद एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में अपना जाके अरेंजमेंट करा के आते सारा। अगर ये उनके आगे बोल देते ना, तो ये किसी चीज़ का सरप्राइज ना रहता फिर। तो इसलिए मैंने उनको आके दोस्त से घर जा रहा हूँ। तो अपना चले अर्पिता। चलो जी। तो अभी गाइस हम पहुँच चुके हैं अपना मंदी बेकरी पे, अंदर चलते हैं और मिलते हैं भैया से। कैसे हो रोहित भैया? बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक केक मंगवा दो, बढ़िया था। तो अभी भाई अपना मम्मा पापा का केक जो था एनिवर्सरी वाला, उसका ऑर्डर दे दिया है, वो शाम को मिलेगा। अभी चलते हैं रेस्टोरेंट बुक करने, मतलब वहाँ पे अरेंजमेंट करने। चलें। चलो जी। तो भी भाई हम अपना आ चुके हैं, कायनात रेस्टोरेंट है वो रूफ टॉप पे। तो अपना देखते हैं ऊपर क्या अरेंजमेंट होता है। हजार पिता। तो अभी भाई अपना लिफ्ट में आ चुके हैं, और अभी ना इसका वैसे खुलने का टाइम तो गाइस 12 बजे, और हम सुबह सुबह ही आके मतलब अभी एक घंटा पड़ा है। तो बाकी थर्ड फ्लोर पर जाके देख आते हैं क्या कुछ सीन है। तो अभी भाई अपना यहाँ पे जो था फाइनली सारी अरेंजमेंट करा दी है अपना, अब शाम को ही आना यहाँ पे सीधा। तो ये सरप्राइज अपना पूरा सेट हो चुका है, बाकी अभी ओपन नहीं हुआ, साफ सफाइयाँ चल रही हैं आप देख सकते हो। बट मैंने गाइस पहले ही कॉल कर रखा था भैया और को यहाँ पे कि मैं आऊँगा, तो उससे सारी बात हो गई है, सब चलते हैं अपना। तो भी भाई अपना बिल्कुल रेस्टोरेंट में जो भी अरेंजमेंट था सारा करवाए हैं, बिल्कुल घर पहुँच गया, घर के बिल्कुल पास में है। और ना मैं सोच रहा हूँ कि ना घर पर जाकर ना कुछ बोलूँगा नहीं, मैं ना सीधा शाम को व्लॉग कंटिन्यू करूँगा। पता क्यों नहीं बोलूँगा? अगर मैं घर पर ना मेरे से अगर मान लो गलती से भी कोई चीज़ निकल गई ना कि सारी अरेंजमेंट हो गई है, तो सारा सरप्राइज का ना प्लान मतलब पूरा वो हो जाएगा, चौपट हो जाएगा सारा सरप्राइज। तभी आराम से जाएंगे, घर बैठ जाएंगे और आपसे सीधी शाम को मिलेंगे, ठीक है? तो अभी भाई अपने शाम के 7 बज चुके हैं, और इधर पापा भी आ चुके हैं अपना टूर से। हेलो, हैप्पी एनिवर्सरी पापा जी। थक गए हो? सेम टू यू गाइस। पापा थक गए हैं, पापा हमको कहीं घुमा लाओ यार, ले चलोगे? पक्का वादा करो। आवाज हो जाए, पता लग गया भाई आपके लारे रख रहे हो, थके पड़े हैं। कोई नहीं गाइस, देखते हैं। मम्मा कहीं घूमने चलना है क्या? पापा भी, पापा थके हुए हैं, देखते हैं। पापा भी कह सकते हो क्योंकि आप ही मना सकते हो पापा को। तो गाइस अभी देखते हैं, थोड़ी देर तक कहीं घूमने का प्लान भी बनाते हैं अपना, कहीं घूम के आएंगे बढ़िया सा, और राउंड वगैरह। मम्मी से पूछ काम, मम्मी इस टाइम क्या कर रहे थे? मम्मी हाँ, इस टाइम आप क्या कर रहे थे? शादी अब तैयार हो रहे थे? और पापा आप क्या कर रहे थे? आज चली गई थी। आज तभी गई हुई है
गाइस आज सुबह से लाइट नहीं है, मानोगे सुबह से। पापा आप बताओ आप क्या कर रहे थे? घोड़ी में चढ़े थे। इस समय घोड़ी में चढ़ गए थे हैं? तो गाइस अभी तो 7 बज गए, पापा कह रहे हैं इस समय मैं घोड़ी चढ़ गया था। तो ठीक है भाई, बढ़िया है। बाकी यार जल्दी यार कहीं चलते हैं, घूम आते हैं, लाइट भी नहीं है घर पे अपना वैसे ही। ठीक है तब ये कपड़े, ये इस दिन कपड़ों में जाएंगे। बाकी हम एक शर्त है कहीं आपका वैसे चलते हैं। इतना भी बढ़िया सच के नहीं जाना भाई हमने। तो अभी गाइस अर्पिता और मैं अपना बिल्कुल रेडी होके आ चुके थे अपना केक लेने के लिए। ठीक है हम पहले रेडी हो गए, मम्मी पापा को अभी ना 10-15 मिनट लगने थे। तो हमने उनको ये कहा कि हम भाई अपना घूमने जा रहे हैं, और उनको ये कुछ नहीं बताया केक वगैरह भी कोई सिस्टम है। तो अभी बस केक ले लिया भैया से जो ऑर्डर दे रखा था, अभी अभी लिया है। और चले अर्पिता अब चलते हैं सीधी रेस्टोरेंट पर, वहाँ रखवा देते हैं, उसके बाद अपना फिर उनको बुलाते हैं कहीं और, वहाँ से लेके जाएंगे उनको वहाँ पे। जहाँ तक अभी मेरा दिमाग ये कह रहा है, बाकी क्या पता प्लान चेंज होते रहते हैं। आप इंजॉय करो बाकी। हम पहुंच चुके हैं जैसा कि आप मेरे बिल्कुल बैक साइड पर देख सकते हो अपना रेस्टोरेंट, और अपना चलते हैं अंदर। वो खड़ी अर्पिता वेट कर रही है लिफ्ट की। और एक चीज़ और बता दूं गाइस कि ना मैंने दिन में कोई सिनेमैटिक शॉट्स नहीं लिए थे, क्योंकि ये ना रेस्टोरेंट है जो रही रात के व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है रोहतक में। तो अभी इसके थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट भी लूँगा, और जो टेबल मैंने सजवाई है ना गाइस, वो जब मम्मी पापा आएंगे यहाँ पे उनके लिए भी सरप्राइज़ है और आपके लिए भी सरप्राइज़ है। तो अपना अभी चलते हैं अपना ऊपर 4th फ्लोर पे। और ठीक है गाइस अभी ऊपर जाते ही आपको थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ रेस्टोरेंट के, और जो व्यू है ऊपर का एक नंबर का, बट टेबल नहीं दिखाने वाला। ठीक है गाइस भाई अपने सिनेमैटिक्स तो एंजॉय कर लिए होंगे। और ना मैंने गाइस मम्मी पापा को बुला लिया अपना यहाँ पे मैकडी के बाहर, उनको लग रहा है कि मैं मैकडी में बर्गर वगैरह खाना है तो वही बुला लिया, बट उनको मैकडी से पहले ही रोक लूँगा मैं, और अपना इधर कहूँगा कि आ जाओ भाई अब यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे होगा आप देख पाओ, आप इंजॉय करो। तो गाइस इसी लाइन में ना आगे मैकडी है, और अपना हम यहाँ पे रुके हुए हैं मैकडी से थोड़ी सी आगे। तो मैं मम्मी पापा को यहीं पे देख रहा हूँ अभी। तो गाइस मम्मी पापा और ये आ गए हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, अब बिना कुछ कहे चुपचाप मेरे पीछे आ जाओ, एक सरप्राइज आप लोगों के लिए तगड़े वाला। तो गाइस मम्मी पापा और ये आ गए हैं, मगर आप तो पार्टी जाने से सुबह मना कर रहे थे, तो हम ही एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर देते हैं। आ जाओ फिर अंदर, आ जाओ पापा। तो हाँ जी पापा, ओके सरप्राइज की वेट की जा रही है। तो गाइस यहाँ सरप्राइज की वेट करवा रहे हैं इनको पूरी जबरदस्त। हमने बताया लिफ्ट देख लो, अभी स्पेशल ऊपर भेजिए वापस, कि जितनी देर लगे इनको उतनी बढ़िया भाई सरप्राइज, इतना बढ़िया लगेगा। तो इस लिफ्ट को स्पेशल ऊपर भेजा, दोबारा नीचे बुलाएंगे। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे यार, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। आप भी कहोगे यार तू तो खेल रहे हैं अबे। तो अभी भाई अपना लिफ्ट में आ चुके हैं, तो वेट किया जा रहा है, बस सिर्फ 2 मिनट और रुक जाओ, ऊपर पहुंचने की देरी है बस, और सारा एंजॉय करना। ठीक है गाइस को तो सारा पहले ही पता हुआ है, इनको मैंने सारा दिन में बता दिया था। मेरे को तुम पागल बना रहे हो, आपको कुछ नहीं पता भाई साहब। पहुंच गए अपना 4th फ्लोर पर, तो आ जाओ भाई साहब आ जाओ, सिर्फ एक कुछ चंद सीढ़ियां और हैं, आपका सरप्राइज गेट के पीछे छुपा हुआ है। पूरा अर्पित भी ना भाई, आजकल सही लाइटें आ रही है दिमाग में। आ जाओ ये रहा भाई, वेलकम टू कायनात, आ जाओ। तो आ जाओ भाई कुछ ये सीढ़ियाँ भी चढ़ते आओ, फटाफट आ जाओ। गाइस वो लॉस्ट में टेबल है अपना जहाँ बलून्स लगे हुए हैं। तो भाई इनके लिए स्पेशल शावर कराया। चल झूठा, वो तो पहले भी हो रहा था, ये तो मैंने अभी ऐसे ही कह दिया। आ जाओ, टेबल इज वेटिंग फॉर यू। तो भाई हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बाबा जी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। बैठो दोनों बैठो। तो पहले तो ये बताओ कैसा लगा सरप्राइज? जबरदस्त गाइस, मम्मा का ना जब से ये रेस्टोरेंट खुला ना, जब से दिल था कि मैंने इस रेस्टोरेंट में आना ही आना है, क्योंकि ये रूफ टॉप पे था सबसे ऊपर,
और मैंने जॉन के वाला टेबल लिया था कि अपना सबसे एंड में भाई साहब देखो है ना बढ़िया व्यू, अच्छा लगा है। अब ये रोजेज और भी कराऊंगा यहाँ पे, वो गाइस ये हैप्पी एनिवर्सरी वाला देखो पूरा टैग बलून्स सारा कुछ बढ़िया सिस्टम, और ये देखो साथ में शोवर्स, नीचे लाइव सिंगिंग काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अभी आपके लिए एक बढ़िया सा गाना भी बुलवाएंगे उनसे। और गाइस मैंने मम्मा पापा के लिए स्पेशल कैंडल लाइट डिनर भी कराया है, बट ये कैंडल का मेरे को लग रहा है कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला, हवा इतनी तेज चल रही है ये बुझ ना जाए। ओ बुझी गई एक जल रही है भाई साहब। तो ये सरप्राइज अच्छी था ना, दिल से लग रहा है ना बढ़िया। गाइस इतने आप टेबल के भी थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय कर लो। आपको भी कैसा लगा गाइस रेस्टोरेंट और अपना यहाँ की सारी डेकोरेशन? मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगी। मम्मी पापा आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। और अच्छा कोई नहीं ले लो यहाँ पे एक, आपको कह देते हैं इनको कि एक टेबल भाई इनको दे दो अपना यहाँ पे, जब भी आएंगे रात को रोल डिनर करके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस अभी ना अभी मैंने नीचे से जो केक अपना लेके आए हुए वो केक नीचे रखवा दिया था, तो अभी केक भी ऊपर आ रहा है और ना ये फ्लावर्स थोड़े कम है तो टेबल पूरा फ्लावर से भरवा रहा हूँ अपना, ठीक है। तो अभी भाई अपना क्या कहते हैं केक भी आ चुका है और फोटो शूट चल रहा है तगड़े वाला मम्मी पापा का भाई, ठीक है करा लो यार जितनी मर्जी फोटो करवाओ कोई दिक्कत नहीं है। और गाइस ये सब कृपा है अपने प्यारे से गुरुजी की, मतलब इनको तो मैं हर जगह अपने साथ रखता हूँ गाइस, मतलब ये सब इन्हीं की कृपा है गाइस की जो आज मैं यहाँ पे ये पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ मम्मी पापा के लिए, जो भी कुछ है मतलब शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना। बहुत अच्छा लगा मेरे को। अब गाइस आपको अपना दिखाता हूँ मैं क्या कहते हैं केक के सिनेमैटिक शॉट्स, केक भी बहुत अच्छा बनवाया है सिंपल सोबर बहुत प्यारा। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी पापा जी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मम्मा। तो गाइस केक कटिंग होगी और साथ साथ सारे फैमिली मेंबर भी जुड़ गए थे अपने वीडियो कॉलिंग में, देख रहे हो ओके हो गया पूरा। केक कैसा लगा आपको गाइस? आप भी बताना कमेंट सेक्शन में केक कैसा लगा, और जल्दी जल्दी यार अब अपना ये वीडियो पूरी वायरल कर देना, ठीक है गाइस पूरी फुल वायरल कर देना, अच्छा लगेगा मुझे अगर आप ये वीडियो वायरल कर दोगे तो। तो गाइस अभी मम्मी पापा के लिए गाना बुलवाया मैंने भैया से,
तो गाइज अभी बाहर सॉन्ग प्ले कराने के बाद हम बैठ चुके हैं अंदर अपना नीचे एसी हॉल में और ये बैठे हैं मम्मी पापा और ही हेलो। तो भाई जहाँ पे भी जाते हैं कुछ ना कुछ कारनामे तो जो करने होते हैं आते ही यहाँ पे अपना व्लॉग चलवा दिया, देख रहे हो अपना रेस्टोरेंट में भी व्लॉग चल रहा है गाइज, देख लो पूरा सही बढ़िया वाला, ठीक है ना भाई। अब बैठ के देखो और अपना डिनर इन्जॉय करो, आ गया डिनर भी और इधर अपना डिनर भी आ चुका है गाइस, वही नॉर्मल घर जैसा खाना, पनीर दाल बटर रोटी। तो अभी करते हैं डिनर भाई, एक चीज़ तो रह गई, मम्मी और पापा ने एक दूसरे को रोटी नहीं खिलाई। लो जी क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो गाइस एक चीज़ बताऊँ आपको, जो एक अपना डिनर है ना भाई साहब, एक नंबर का टेस्ट, काफ़ी बढ़िया मम्मी पापा मज़ा आया सच्ची बताना, बहुत टेस्टी है गाइस। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जो भी मेरा भाई रोहतक से देख रहा है और ऐसे उसको ऐसे व्यू में खाने का इंटरेस्ट है अपना, साथ साथ सिंगिंग में बाहर बैठे खा लो या ऊपर रूफ टॉप पे बैठे खा लो, हम तो फिर भी ऊपर भी इंजॉय कर रहे हैं बाहर भी और अंदर भी, ठीक है ना। व्लॉग भी अपना चल रहा है पीछे भाई साहब, अपना जरूर आना, कायनात रेस्टोरेंट है, इंजॉय करो मॉडल टाउन में, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। तो भी गाइस ये वाला व्लॉग भी एंड होने वाला है और हम अपना ये वाला व्लॉग भी एंड करते हैं, तो मैं बहुत को सरप्राइज बढ़िया लगा ना, तो बस इसी बात पे आप भी ये वाली वीडियो पूरी लाइक कर दो, मेरे को भी सरप्राइज दे दो इतना ज्यादा व्यूज दिखा के, ठीक है गाइस। आई होप हाँ सब्सक्राइब भी और मिलते जल्दी और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और जो भी मेरा भाई चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइस बाय।